हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये वीडियो पार्ट 3 है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था गोपाल जी के फेस को कैसे कलर करते हैं। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप लोग जाकर देख लेना। और इसका आउटलाइन ट्यूटोरियल भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वो भी अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो। आज के वीडियो में हम गोपाल जी के ज्वेलरी और हेयर पार्ट को कलर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना मैं कैसे कलर कर रही हूँ। एंड ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद ही मैं आर्ट कंपटीशन के बारे में सारे रूल्स आप लोगों को बता दूंगी। तो आर्ट कंपटीशन के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलो अब हम ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्रूस्टर ऑयल पेस्टल्स। आप लोगों के पास जिस भी कंपनी का ऑयल पेस्टल है आप उसका ही यूज कर सकते हो। एंड कलर करने से पहले आपने जो आउटलाइन बनाया है उसको आपको हल्का सा रिमूव कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्राफाइट नहीं चाहिए। तो आउटलाइन रिमूव करने के बाद आपको रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करके देख लेना है कि आपको यहाँ पे कौन कौन से कलर चाहिए। रेफरेंस इमेज में ज्वेलरी सिल्वर कलर के हैं, बट मैं और भी गॉर्जियस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन ज्वेलरीज बना रही हूँ। तो कलर करने से पहले हम एक पेंसिल कलर से इसको बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ पे मैं ब्रूस्टर कलर पेंसिल में ऑरेंज शेड का यूज कर रही हूँ। तो ग्रेफाइट आउटलाइन की तरह ही आपको सेम टू सेम यहाँ पे ऑरेंज कलर पेंसिल से बॉर्डर बना लेना है पहले। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखो मैं कैसे बना रही हूँ। आउटलाइन बनाने के बाद ज्वेलरी में जहाँ जहाँ ज्यादा हाईलाइट है वहाँ पे मैं व्हाइट कलर से पहले कलर कर लूंगी। एंड मैंने वीडियो को ज्यादा फास्ट नहीं किया, आप लोग ध्यान से देखो मैं कहाँ पे कौन से कलर कर रही हूँ। एंड आपको बहुत ही पेशेंस के साथ ये काम करना है। एंड मैं कौन कौन से शेड्स यूज कर रही हूँ उसका नेम आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख जाएगा। एंड व्हाइट हो जाने के बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मीडियम येलो कलर। एंड जहाँ जहाँ पे आपने व्हाइट कलर किया है उसको छोड़कर बाकी पूरे ज्वेलरी में आपको इस कलर से फिल कर देना है। एंड आपको छोटे छोटे पोर्शंस में एक एक करके कलर करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में पूरा कलर कर दो, फिर ये रियलिस्टिक नहीं बनेगा। तो ज्वेलरी में पूरा येलो कलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी ऑरेंज कलर। ज्वेलरी में जहाँ जहाँ पे शेडो पार्ट है वहाँ पे मैं ऑरेंज कलर से शेडिंग करूंगी। यह हमारा फर्स्ट बेसिक लेयर है, इसके ऊपर जब हम लेयर टू लेयर कलर अप्लाई करेंगे तब ये धीरे धीरे और भी रियलिस्टिक बनने लगेगा। तो सारे कलर्स अप्लाई करने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो यहाँ पे कॉटन बड्स का भी यूज कर सकते हो। ब्लेंडिंग के लिए भी मैं यहाँ पे लाइट टू डार्क शेड में ब्लेंड कर रही हूँ। पहले व्हाइट कलर को ब्लेंड कर लूंगी, देन येलो और ऑरेंज, देन थोड़ा और शेडो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ब्राउन कलर और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्रेफाइट पेंसिल लेना है एंड एक बार और ज्वेलरी के आउटलाइन बनाना है, इससे ज्वेलरी और भी कॉन्ट्रास्टेड बन जाएगा। एंड मैं इससे थोड़ा शेडो एरिया में शेडिंग भी कर दूंगी। ये हो जाने के बाद आपको लेना है थर्मोकोल कटर और उससे जहाँ जहाँ पे आपको हाईलाइट क्रिएट करना है वहाँ पे थोड़ा स्क्रैच कर देना है। एंड देन जहाँ जहाँ पे हमने ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग किया था वहाँ पे हम ऑरेंज कलर पेंसिल से थोड़ा ब्लेंड कर देंगे। ये हो जाने के बाद हम ज्वेलरी में डिफरेंट कलर पेंसिल से स्टोन बनाएंगे। आप यहाँ पे कलर पेंसिल, स्केच पेन या फिर ब्रश पेन भी यूज कर सकते हो। सेम स्टोन्स में भी 3D इफेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल से शेडिंग कर देंगे। सेम वे पर मैं डिफरेंट कलर से और स्टोन्स बना लूंगी। हमने शेडो तो क्रिएट कर लिया, अब हम हाईलाइट क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ व्हाइट एक्रेलिक कलर। एक शार्प पेंसिल के हेल्प से मैं यहाँ पे हाईलाइट क्रिएट कर रही हूँ।
एक्रेलिक कलर के बदले आप यहाँ पे व्हाइट जेल पेन या फिर करेक्शन पेन का भी यूज कर सकते हो। तो यही सेम वे पर बाकी जो ज्वेलरी है उसको भी हम बना लेंगे। आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखो मैं कौन से कलर कहाँ पे यूज कर रही हूँ, एंड कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट पर पूछ सकते हो।
फिर ज्वेलर्स को कलर करने के बाद हम बैकग्राउंड को थोड़ा कलर कर लेंगे, क्योंकि हेयर बना लेने के बाद आप इस पार्ट को अच्छे से कलर नहीं कर पाओगे। तो बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लेमन येलो कलर। इसको मैं हेड के पीछे एक सर्कल बनाकर अच्छे से कलर कर लूंगी। एंड लेमन येलो करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर भी अप्लाई कर दूंगी। अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद हम यहाँ पे हेयर कलर करना शुरू करेंगे। रेफरेंस इमेज के हेयर में जहाँ जहाँ पे हाइलाइट दिख रहा है वहाँ पे मैं पहले येलो ऑकर कलर से कलर कर लूंगी, देन थोड़ा और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे ब्राउन एंड लास्ट में ब्लैक कलर से कलर करूंगी। अच्छे से ब्लेंड करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड हेयर के लिए भी मैं यहाँ पे लाइट टू डार्क शेड में ही कलर कर रही हूँ। तो ब्राउन अप्लाई करने के बाद जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क एरिया है, मतलब ज्वेलरी के नीचे या फिर साइड में रेफरेंस इमेज में आपको जहाँ जहाँ पे शेडो दिख रहा है वहाँ पे आपको ब्लैक कलर से कलर कर लेना है। एंड सारे कलर्स अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम फिर से इसको टिश्यू पेपर के हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। ज्वेलरी पार्ट के आसपास अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में हम उसको कलर पेंसिल से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा और ब्लेंड होना चाहिए था वहाँ पे आप ब्लैक कलर पेंसिल का यूज़ करके ब्लेंड कर सकते हो। कलर पेंसिल से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड इसका यूज़ करके मैं कुछ छोटे छोटे स्ट्रोक्स भी लगा लूँगी हेयर में। तो ब्लैक कलर पेंसिल का काम हो जाने के बाद हम थर्मोकोल कटर के हेल्प से हेयर के डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा करके हाईलाइट क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको रेफरेंस इमेज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही पूरे हेड में रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग हाईलाइट क्रिएट कर लूंगी। एंड फेस के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स है उसको क्रिएट करने के लिए मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एंड ये सारे काम हो जाने के बाद हम फिर से एक्रेलिक कलर के हेल्प से ज्वेलरी में और भी डिटेल्स ऐड करेंगे, इससे ड्राइंग और भी गॉर्जियस दिखेगा। ये सब काम हो जाने के बाद लास्ट में हम मोरपंख को कलर कर लेंगे। मोरपंख कलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक एक करके डीप ब्लू, लाइट ब्लू, येलो और ऑरेंज कलर से शेड कर रही हूँ। एंड सेम वे पर ब्लेंड करने के बाद हम सेम कलर के कलर पेंसिल से उसको शेड कर देंगे। देन ये हो जाने के बाद हम लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे मोरपंख के फेदर बनाने के लिए, एंड उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। आपको ये अगर ऑयल पेस्टल से करने में प्रॉब्लम हो तो आप कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। देन ये दो कलर अप्लाई करने के बाद भी हम इसको ब्लेंड कर देंगे। एंड देन कलर पेंसिल का यूज करके इसके ऊपर स्ट्रोक्स बनाएंगे। हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने ही वाला है गाइस। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो देख लो गाइस फाइनल लुक। अब मिलता है इस ड्राइंग के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।